वैश्विक महामारी कोरोना आज पूरे भारत में शहरों से लेकर गांव तक पहुंच चुकी है। हर एक क्षेत्र इस बीमारी के चपेट में आ रहा है। जिला परिषद सदस्य किन्नौर हितेश नेगी ने किन्नौर व प्रदेश वासियों से अनुरोध किया है कि आप सभी इस महामारी से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कोविड 19 वैक्सीन को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जल्द से जल्द लगवाएं, ताकि आप और आपका परिवार इस महामारी से सुरक्षित रहे। धन्यवाद। एसीटी ग्रांट द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपियो को 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके लिए उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा ने संस्था का धन्यवाद किया। इसके लिए उन्होंने माए गो व प्रदेश सरकार का भी आभार जताया। उपायुक्त ने बताया कि राजकीय ठाकुर सेन नेगी महाविद्यालय के कन्या छात्रावास को भी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इससे DCA सराय भवन व DCHC आयुर्वेदिक अस्पताल प्रभार कम होगा। माइल्ड लक्षण वाले कोरोना रोगियों को यहाँ रखा जा सकेगा। माईगोव पोर्टल पर एक मुहिम चलाई थी सरकार द्वारा, जिसमें जिलों में जो भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो कंसंट्रेटर हैं, सिलेंडर हैं, ऑक्सीमीटर हैं, उसके लिए डिमांड्स हमने प्लेस की थी पोर्टल पे, और पोर्टल के थ्रू फिर एक NGO के माध्यम से ACT ग्रांट्स के माध्यम से हमें 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। तो हम उस NGO के आभारी हैं और साथ में सरकार के भी आभारी हैं कि किस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जिस पर हम अपनी डिमांड रख सकते हैं और वो कोई भी सोसाइटी में जो मदद करने लायक है वो मदद कर सकता है। साथ ही हमने जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है कॉलेज का, उसको डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश किया है। नोटिफाई हम पहले कर चुके थे, उसको हम ऑपरेशनलाइज भी करने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो DCHC सराय भवन और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उस पर लोड कम हो और हमारे पेशेंट्स हैं वो जो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम वाले हैं, जिनको विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट वाले पेशेंट हैं, उनको हम यहाँ रख सकें और डेडिकेटेड ऑक्सीजन सपोर्ट हमारे ऊपर के हॉस्पिटल से मिल सके। हम यहाँ पर हमारी कोशिश भी है कि हम इनको कुछ मूड इनका लाइट करने के लिए, कुछ हम इनमें एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल TV के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट।